जिज्ञासा बड़ी हार्दिक इच्छा है, बड़ी इच्छा कि मेरे साथ ब्याह हो, मेरे साथ विवाह हो। लेकिन अब होगा क्या? वही होगा जो राम जी की इच्छा हुआ ही हूं। अब जब राजकुमारी को पता चला कि मेरा स्वयंवर है, स्वयंवर की का समाचार जब राजकुमारी को लगा तो राजकुमारी ने हाथी से मिलना बंद कर दिया कि क्योंकि अब उन्हें वो घर वो राजमहल छोड़कर जाना होगा। तो पत्नी का बिछोह ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा उनको परेशानी ना हो, इसलिए राजकुमारी ने हाथी से मिलना बंद कर दिया। और जब राजकुमारी ने हाथी से मिलना बंद किया तो हाथी ने चारा खाना बंद कर दिया, ना वो मिलने जाती है ना वो कुछ खाते हैं। दो तीन दिन बीते, अब मंत्रियों पार्षदों सब गए महाराज के पास, बोले महाराज अब की वाला हाथी ये बीमार हो चुका है, ना तो कुछ खाता है ना पीता है, सारा दिन बिल्कुल बेचैत अवस्था में रहता है। तो राजा ने सोचा कि अभी तक तो ये हाथी अच्छा था और अचानक इस हाथी को हो क्या गया है कि ना कुछ खाता है ना पीता है। तब मंत्री गए, बोले महाराज मुझे लगता है कि हाथी अब ये भी बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। महाराज ने आदेश दिया कि जितने राज वैद्य दुनिया में हैं सबको बुलाओ। बस हुआ वही कि राजा ने बहु वैद्य बुलावा, राजा ने बहु वैद्य बुलावा, तब हुन हाथी चारा खावा। बलिए दूर दूर के नामी वैद्य आए और सब वैद्य ने अपना अपना उपचार किया, लेकिन हाथी ठीक न हुआ। अच्छा, अगर हाथी को कोई रोग होता तो अच्छा हो जाता, लेकिन कोई रोग तो है नहीं, उनको है प्रेम रोग। अगर कोई रोग होता तो अच्छा होता, प्रेम रोग के चक्कर में हाथी दिन पर दिन वो लाचार होता रहा, लेकिन ठीक ना हुआ। एक दिन एक मंत्री महाराज के पास गया और बोला महाराज अब मुझे पूरा पक्का पता है कि ये हाथी मर जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अच्छा, जिस समय वो मंत्री महाराज से हाथी के विषय में बात कर रहा था तो राजकुमारी भी थी, और जैसे राजकुमारी ने के कान में ये आवाज गई कि हाथी मर जाएगा तो राजकुमारी को अच्छा ना लगा। राजकुमारी उठी, व्याकुल होकर उठी और उसने अपने अपने पिता के पास गई और बोली कि पिताश्री अगर आपका आदेश हो तो मैं हाथी के पास जाऊं। महाराज बोले कि बेटी वो हाथी बीमार है, तुम क्या करने जाओगी। राजकुमारी ने कहा कि हे पिताश्री मुझे एक बार उसके पास जाने का आदेश दो और एक बात कि मैं जब हाथी से मिलने जाऊं तो मेरे पीछे कोई आए ना, और वहां पर जितने तो आपके नौकर हैं वो सब वहां से आ जाएं, मैं अकेले में जाऊंगी और मैं हाथी का उपचार जानती हूं, वो हाथी अच्छा हो जाएगा। महाराज हंसते बोले कि बेटी हाथी अच्छा नहीं होगा। कहा नहीं हो जाएगा पिताश्री। तो कहा ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ। कहा लेकिन कोई मेरे पीछे आएगा नहीं। तो कहा बिल्कुल नहीं आएगा। राजा ने आदेश दिया कि मेरी बेटी हाथी से मिलने जाएगी और जितने नौकर वहां पर हैं, जितने सेवक हैं वो सब वहां से आ जाएं। राजा के आदेश पर सब वहां से आ गए। अब अकेले में राजकुमारी हाथी से मिलने गई और हाथी बेचैत अवस्था में जमीन पर लेटा था, और जैसे राजकुमारी के पांव के पायल की छम छम की आवाज हाथी के कान में गई तो उसने आंखें खोली, और जब खोली तो देखा कि कोई स्त्री आ रही है। जब स्त्री चलती तो पांव में जो पायल उनके घुंघरों की आवाज कान में गई तो समझ गया कि बस कोई ना और कोई नहीं, मेरी पूर्वजन की पत्नी। तब तक वो राजकुमारी गई सूंड के पास बैठ गई और सर सहलाया, बोली कि स्वामी मैंने सुना कि आजकल आप कुछ खाते पीते नहीं, हुआ क्या है। बस हाथी बोला तुम हुआ क्या पूछने आई हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे रोज मिलने आना और तुमने मुझसे मिलना बंद किया और मैंने खाना बंद किया। हे प्रिय अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं प्राणांत कर लूंगा। अब बताओ तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती थी। जब पूछा क्यों नहीं आती थी तो राजकुमारी रोने लगी और सर सहरा कर बोली कि स्वामी मैं क्या करूं। बोली कि हे स्वामी हो कन्या पर धन हो ती स्वामी, पितु गृह में कहाँ थी काना है, बोली हे स्वामी हो कन्या
हे स्वामी, आपको तो ये पता है कि मैं बेटी हूँ, मैं दूसरी की अमानत हूँ, और बेटी अपने पिता के घर में ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती, इसलिए हे स्वामी, हो इसलिए पिताजी ने मेरा हे नाथ स्वयंवर ठाना है। हे स्वामी, मैं बेटी हूँ और मैं ज़्यादा दिन तक अपने पिता के राजभवन में नहीं रह सकती, तो इसलिए पिताजी ने मेरा स्वयंवर ठाना है और मेरा विवाह होगा। और हे स्वामी, यदि मुझसे है ऐसा चासने, यदि मुझसे है ऐसा चासने, तो मेरा मान बढ़ाओ तुम। और स्वामी, हमें रे कहने से प्राणनाथ हो रास्ता चारा खा लो तुम। हे स्वामी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो उठें और थोड़ा सा कुछ कुछ खा ले। स्वामी, हाथी ने कहा, पागल हो गई, तुम्हारा स्वयंवर है और कल तुम किसी पराये की अमानत होकर मेरे सामने तुम जाओगी, अब मैं देखता रहूं ना। अरे जब ही स्वयंवर की तिथि आई, जाओ जिस दिन तुम्हारा स्वयंवर होगा ना, जब ही स्वयंवर की तिथि आई और तब ही न देव प्राण गवाई। मैं ये वचन देता हूँ राजकुमारी कि जिस दिन तुम्हारा स्वयंवर होगा तो मेरी नजरों के सामने तुम पराये पुरुष को अपना स्वामी बनाकर ले जाओ, उससे पहले मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, मैं जीवित बिल्कुल नहीं बचूंगा, क्योंकि मेरे सामने तुम किसी पराये की होकर जाओ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। राजकुमारी बोली कि स्वामी, क्या लगता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती? अरे आज जितना प्रेम उस जन्म में आपके साथ से मेरा था उतना आज भी है। अब बात रही मेरे स्वयंवर की, तो जाओ अगर आप ये वचन दे सकते हैं तो ये राजकुमारी भी ये वचन दे सकती है। मैं दूर चंद्रमा पृथ्वी को साक्ष्य मानकर ये सौगंध खाती हूँ। क्या? अरे बरब तुम है न तो राहब कुमारी। जाओ स्वामी, अगर पति के रूप में कोई मेरे जीवन में आएगा तो सिर्फ तुम। तुम है न तो राहब कुमारी सुनो प्राणपति टेक हमारी। राजकुमारी ने उस हाथी से कहा, स्वामी अगर पति के रूप में वरण होगा तो सिर्फ तुम, तुम्हारे सिवाय किसी पराये पुरुष को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी, ये मेरी सौगंध है, उठो अब चारा खाओ। हाथी हंसने लगा और बोला कि राजकुमारी ये मैं तुमसे थोड़े ना कहता, तो कहा ना आप स्वामी उठो आप खाओ। और तुरंत राजकुमारी वहां से आ चुकी और हाथी उठा और जितनी सूखी डाले थी सब उठा उठा कर उन्हें खाने लगा। राजकुमारी गई अपने पिताजी से बोली कि हे पिताश्री, जाकर देखो हाथी चारा खा रहा है। और जब महाराज आए तो वास्तव में देखा कि हाथी चारा खा रहा है, बड़े आश्चर्य में हुए, वापस गए और बोले कि बेटी जा, कल तेरा स्वयंवर है और दहेज में हाथी पक्का, ये हाथी तेरा ही, तू इसे ले जा, क्योंकि अब की बार ये अगर बीमार होगा तो तू अपने यहाँ होगी, तो इसलिए ये हाथी भी ले जा, कल तेरा स्वयंवर। रात बीती और जैसे अगला दिन राजकुमारी का स्वयंवर हुआ, बड़े दूर दूर के सब राजा राजकुमार सब आए और सब लाइनों में बैठे और सबकी बड़ी जिज्ञासा की कि भगवान मेरी शादी हो जाए भगवान, क्योंकि इकलौती राजकुमारी और बड़ी सुंदर और पूरी संपदा, सबकी बड़ी जिज्ञासा कि भगवान हमारी शादी हो जाए भगवान मेरी शादी हो जाए। सब बैठे बिल्कुल, तब तक राजकुमारी के हाथ में जयमाला दी गई और राजकुमारी उस रंगभूमि में आई और जैसे आई सब कहते अरे रे अब हमारे परा अब जयमाल पड़ा, सबकी बड़ी जिज्ञासा कि भगवान मेरे साथ शादी हो जाए। बड़ी सुंदर राजकुमारी, सुंदर नहीं बहुत सुंदर, सब कहते कि। और जैसे आई महाराज कान में बोले कि बेटी जा,
इन राजा राजकुमारों के बीच में जो तुझे अच्छा लगे उसके गले में जयमाल डाल दे, बस वो तेरा स्वामी, बेटी जाओ। महाराज का आदेश पाकर जय से राजकुमारी जयमाला लेकर उस रंगभूमि में आई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ सखियां पीछे, सखियां इशारे में कहती हैं कि राजकुमारी जी वो वाला अच्छा है, राजकुमारी जी वो मोटा वाला, राजकुमारी जी वो काला वाला। लेकिन राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब रंगभूमि के आधी दूरी पर आई तो अपनी सखियों का हाथ धीरे से हटाया और हुआ क्या, अरे जय जय मालक जय अमर राणा। बड़ा आश्चर्य, जो नहीं होना था सो हुआ। सखियों का हाथ हटा दिया और दौड़ और तुरंत बड़ी तीव्र गति में जाकर और सामने हाथी और जयमाला उसी हाथी के गले में डाला। जय जय मालक जय अमर राणा, सारी सभा चकित भय सारा। हाथी के गले में जयमाल डाल दी। अब जितने राजा राजकुमार थे सब कहने लगे, ये तो पागल है, ये तो बिल्कुल पागल है। महाराज सिंहासन से नीचे आए और बोली कि बेटी ये तूने क्या किया, हाथी गले में? जितने राजा राजकुमार बैठे इनमें से जो तुझे अच्छा लगे उसके गले में जयमाल डाल दे, अब क्या होगा। तब तक बूढ़ा मंत्री उठा, वो बोला कि दूर दूर से आए हुए राजा और राजकुमारों, अगर आपको लगता है कि राजकुमारी पागल तो पागल नहीं है, इसने हाथी के गले में वरमाला इसलिए डाली कि सबसे पहले महाराज से हाथी का दान लिया। इसने कहा कि ब्याह से पहले मुझे हाथी चाहिए, तो हाथी ये दान में मांगा गई, ये मांगे संपदा है, इसलिए हाथी के गले में जयमाला डाली गई। अब फिर से राजकुमारी जाएगी और जो वरमाला लेकर आएगी और अब जिसके गले में डालेगी वो इसका जीवन साथी होगा। राजकुमारी गई फिर से हाथ में जयमाला दी गई और फिर से आई। महाराज बोले कि बेटी अब मेरी लाज तेरे हाथ में, बेटी जो तुम्हें अच्छा लगे उसके गले में जयमाल तुझे डालना है, तो कहाँ पिता से। और जैसे रंगभूमि में आई फिर वैसी आधी दूर तक गई, पर सखियों का हाथ धीरे से हटाया और फिर से राजकुमारी ने वही हरकत की जो पहले की थी। क्या कि पुनि जयमाल जय उड़ाना, पुनि जयमाल जय उड़ाना, नप को छाय वो क्रोध करारा। फिर से गई और फिर से उसी हाथी गले में जयमाल डाल दी। और जैसे फिर से हाथी के गले में जयमाल डाली तो महाराज से रहा न गया, तुरंत म्यान से तलवार निकाली, चंद्रसेन तलवार निकाली, चंद्रसेन तलवार निकाली, अब ही जान से दरवे मारी। तुरंत चंद्रसेन ने म्यान से तलवार निकाली और दौड़ते हुए गए और पकड़े बाल और एक हाथ में तलवार, कहा मार डालूंगा, कन्या पद का जगन ने पाप लगता है तो लग जाने दे, लेकिन अब नहीं। पकड़े बाल और जय से मारना चाहा, बस ते ही अब सर नारद मुनि आए, ते ही अब सर नारद मुनि आए, कही इतिहास न पै समझाए। जैसे तो तलवार मारना चाहा किसी भी नारद जी आ गए और महाराज का पकड़ा हाथ, बोले महाराज पागल हो गए हो, अपनी कन्या का वध अपने हाथ करने जा रहे हो। महाराज ने कहा हे देवर्षि छोड़ दो मुझे, ये कन्या मार डालने के योग्य। तो कहना राज महाराज ने कहा ये पागल है। देवर्षि नारद ने कहा कि हे महाराज पागल ये नहीं, पागल तुम सब हो, जानते हो ये क्यों बार बार हाथी के गले में जयमाल डालती। कहा क्यों, बताया कि इसने सौगंध खाई है क्या कि बरब तुम है न तो राहब कुमारी, अगर ये ब्याह करेगी तो सिर्फ हाथी से, और ये हाथी जानते कौन है, इसका पूर्व जन्म का स्वामी, और ये दोनों इस जन्म में भी एक साथ हुए और भगवान की इच्छा से कि ये दोनों आपस में मिले और दोनों पहचान गए, अब अगर विवाह होगा तो सिर्फ इसी के साथ। महाराज बोले तो बताओ कि मैं क्या करूं कि हाथी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं, है कोई उपाय? तो नारद जी हंसे बोले एक उपाय,
उपाय क्या? जो काम इस हाथी ने उस जन्म में नहीं किया, अगर वो काम इस जन्म में कर ले तो उपाय हो सकता है। उपाय क्या है? नारद जी बोले कि राम नाम जो गज सुने, क्योंकि पूर्व जन्म में ये पंडित जी थे और इन्होंने सिर्फ राम राम मंत्र कल्प छोड़ा था कि कुवार के महीने में नहीं कार्तिक में सुनूंगा, अगर वो कार्तिक वाला कुवार कार्तिक वाला काम आज कर ले तो राम नाम जो गज सुने तो पातक मिटी जाए, तुरते गज का तन हटे राजकुंवर होई जाए। अगर ये हाथी अभी कभी राम राम मंत्र ले ले तो ये हाथी का शरीर हट सकता है। तुरंत जितने तीर्थ थे सब तीर्थों का जल आया, हाथी पर डाला गया, बड़ी सी चादर हाथी पर डाली गई और नारद जी उस चादर के बीच में गए और कान में मंत्र बोले राम राम। और मंत्र कहकर जैसे बाहर आए पर एकाएक उस चादर का आकार जो हाथी के आकार की थी वो मानवाकार होने लगी, और जैसे मानवाकार हुई नारद जी ने उस चादर पकड़ी और जैसे हटाई पलट दे है हाथी कहे गया, अनहोनी हुई जो कभी नहीं हुआ वो आज राम राम मंत्र के द्वारा गुरुदेव की पुण्य गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा हुआ। पलट दे है हाथी कहे गया तोरत राज कुंवर होई गया। जैसे नारद जी ने चादर हटाई तो हाथी गायब, और पलट देह जब हटी तो हाथी हटकर बड़ा सुंदर सा एक राजकुमार, और जब इतने राजकुमार को देखा तब बोल पड़े देवर्षि नारद की जय, देवर्षि नारद की जय, नारद जी की जय जयकार होने लगी। बस राजकुमारी को आदेश दिया गया, राजकुमारी बरमाला लेकर आई और अब देवर्षि नारद ने आदेश दिया कि अब डालो। बस राजकुमारी ने उस राजकुमार के गले में, उसने राजकुमारी के गले में जयमाल डाली। अब जयमाल के बाद पारगण संस्कार की तैयारियां होने लगी। बस उस राजकुमार को दूल्हे के की आभा में रखा जाने लगा। हुआ क्या? अब कुछ इस तरह वहां की बोल पड़ी कि पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जिए, जुग जीवे बन्ना जुग जुग जीवे, पीली पगड़िया वाला बन्ना मोरा जुग जुग जीए। और बोली हाथ बने के कंगन सोहे, आभा में आना पड़ा और रात्रि के समय गुरुदेव की स्वेच्छा से पारगृह संस्कार हुआ, ब्याह हुआ। और अगले दिन जब विदाई का समय आया तो महाराज ने कहा कि अब कन्या की विदाई हो, लेकिन विदाई अगर हो तो हो कहाँ, ना इनका
कोई गांव, न इनका घर, न इनके माता न पिता, तो ये मेरी बेटी को लेकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। महाराज ने कहा अब विलंब करना उचित नहीं, जो काम मुझे कल करना है वो आज ही करें। उस राज सभा रजशाला का था मान बढ़ाया राजा ने, अब अपने सर से मुकुट उतार उसको पहनाया राजा ने। तुरंत महाराज ने विलंब न किया और तुरंत अपने सिर से मुकुट उतारा और कहा कि आखिर ये मेरी संपदा सब मेरी बेटी की है, पर तुरंत उस राजकुमार को राजा बना दिया। पहले जन्म में पंडित जी थे कृष्णदत्त, और राम राम मत न लेने से ये फिर हाथी बने, और ये तो अच्छा था कि इनके गुरु साक्षात देवती नारद। फिर हाथी बने, हाथी से राजकुमार बने, राजकुमार से दूल्हा बने, और दूल्हा से अंतिम स्टेज में तब जाकर वो राजा बने। सुख मिला लेकिन अंतिम स्टेज पर, बिल्कुल अंतिम। और अगर कहीं देवसी नारद न होते तो क्या सुख मिलता? न मिलता। तो इसे साफ जाहिर है क्या कि बिन गुर भाव निधि तरय न कोई, बिन गुर भाव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो इसे अगर मंत्र गुरु नहीं है तो चाहे जो हो, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता ही आता है। जब पंडित जी के जीवन में आया तो हम सबके जीवन में भी आ सकता है। इसलिए मानस की चौपाई यथार्थ कि अगर जीवन में सुख और अमन चैन चाहते हो तो सुख की सीढ़ी, सुख का जो सबसे पहला अध्याय है वह है गुरु। तो गुरु मंत्र लो और गुरु के आशीर्वाद से जीवन अच्छा होगा। क्या कि बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, वेद माता गायत्री की।